केजरीवाल साहब के आदेश के अनुसार, आदेश की पालना करते हुए 5 फरवरी जो ट्रैक्टर की परेड किसानों के सम्मान में और निकाली जाएगी, मैं तमाम उन किसान भाइयों से अपील करता हूं और निवेदन करता हूं हाथ जोड़कर कि ज्यादा से ज्यादा आप ट्रैक्टर को लेकर सांड नगर जोधपुर में पहुंचे, वहां से अपन रैली निकालेंगे। मेरे युवा साथियों, अकेला आदमी लड़ेगा पार नहीं पाएगा। आप लोग अब बोलते हो ना फोन कर करके, अपन बॉर्डर पे तो चलो नहीं जा पाए आप लोग। अब मैं निवेदन कर रहा हूं 5 तारीख को एक जोधपुर के अंदर कम से कम हजारों ट्रैक्टरों के साथ परेड की जाएगी। अब कहना मत आपने सूचना नहीं दी, आपने कहा नहीं, हम तो तैयार थे, बहाना मत बनाना। मेरे युवा साथियों, मेरे किसान भाइयों, आपके लिए हनुमान जी भाई साहब संघर्ष कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से बॉर्डर पर अपने परिवार को छोड़कर वहां बैठे, ऐसा एक भी सांसद बता दो, जोधपुर वाले सांसद कहां चले गए बताइए? एक भी कोई लाइव आकर कोई कमेंट देखा आपने? क्यों? कि वो चमचागिरी करते हैं, ओनली फॉर चमचागिरी। अगर किसान के प्रति उन्होंने आवाज उठाई तो समझ लो वो सांसद कभी जिंदगी में बन भी नहीं सकते। वो डरते हैं मेरे युवा साथियों, अगला टिकट कट जाएगा, इसलिए आपको चुन के नहीं भेजा है किसानों ने। शर्म कर लो, शर्म। किसान दाता रोडों के ऊपर बैठे हैं और आप बड़े बड़े हवेलियों के अंदर बैठे हो, कितना फर्क है मेरे युवा साथियों। थोड़ा सा नेट धीरे चल रहा है, थोड़ा सा आगे शेयर कर दो। मैं तमाम शेरगढ़ वासियों से, ओसिया, भोपालगढ़, जितने भी मेरे भाई लाइव देख रहे हैं, वैसे मैं फोन कर दूंगा, ये लोल्डी, आगोलाई, बम्बोर, जितने भी लूणी पंचायत समिति मेरे किसान युवा साथी, ट्रैक्टर पगड़ी सम्मान के साथ आप जोधपुर पधारे, शांतिपूर्ण अपन रैली निकालेंगे। मेरे युवा साथियों, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बैनर तले आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा आपको पधारना है और हनुमान जी भाई साहब को आपको मजबूत करना है, ताकि उनको एक संदेश जाए कि जोधपुर जिला भी नागौर से कम नहीं है। मेरे युवा साथियों, यहाँ के जो सांसद है गजेंद्र जी शेखावत साहब, इलेक्शन की टाइम तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, किसान के साथ ये कर देंगे, किसानों का ये कर देंगे, बिल माफ कर देंगे, हैं, सब्सिडी माफ कर देंगे, कोऑपरेटिव माफ कर देंगे, अब कहां चले गए आप? अरे एक दिन तो कम से कम धरने में आकर बैठते किसानों के सम्मान में। क्यों एक भी बीजेपी का नेता रोडों पे नहीं आया? भाई साहब ने एनडीए दल का गठबंधन होते हुए उनको ठोकर मारकर वो रोडों के ऊपर उतरे, किसान के सम्मान के अंदर आज विरोध किया, तो ये सिर्फ एकमात्र बंदा था, वो था हनुमान बेनीवाल। मेरे युवा साथियों, आप लोगों से बड़ी उम्मीद है मुझे, तो मेरे युवा साथियों, आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है। मैं एक तो अपील कर सकता हूं मेरे युवा साथियों, मेरे पास तो एक ट्रैक्टर है, मैं एक ट्रैक्टर ला सकता हूं, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है। तो आपको जोधपुर के अंदर एक ऐसा इतिहास रचना है 5 तारीख को कि लोग बकायदा याद करें। मैं ओसिया, ये जो नजदीक के एरिया, आगुलाई, बम्बोर, किसानों से निवेदन करता हूं, एक अपील करता हूं हाथ जोड़कर कि आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचना है अपने बलबूतों के ऊपर। ऐसे नहीं, मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि मैं कोई मेडल ले जाऊंगा, ये ऐसा कुछ नहीं है। मेरे युवा साथियों, किसानों के लिए भाई साहब ने आवाज उठाई है, तमाम राजस्थान के जितने भी जिले हैं मुख्यालय के ऊपर कल ट्रैक्टर, परसों 5 तारीख को ट्रैक्टर की परेड निकाली जाएगी। वो संदेश मोदी जी तक पहुंचना चाहिए मेरे युवा साथियों कि किसान आज रोडों के ऊपर है, किसान वास्ता के अंदर परेशान है। मैं इतना ही कहकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय, वंदे मातरम।